Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm at Convenience Suite Saibabad and I'm here for the breakfast buffet. But before getting further into the video, please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. Instagram handle is @thetwocrispies123. There I share the live updates of what I do and what I eat. It's 9 a.m. right now and I'll have the breakfast at 64/6, which is the multi-cuisine restaurant of this place. Aap is restaurant mein jaane ke liye lift bhi use kar sakte ho, but I totally love this staircase. Yahan se view kitna achha aata hai. Hi guys, I'm gonna try the baked item. And here the best part ये लगता है कि सारी चीजें eggless हैं. And my favorite thing is this multigrain rusk. I think this thing is really innovative, and I totally love it. Really crispy, really buttery. And I'm gonna pair it with the coffee. Now I'm gonna try the savory danish. Usually danish तो मीठे होते हैं, but ये वाला savory है. Savory danish में regular pork pastry है और इसके अंदर filling है baked vegetables की. This thing is really good. आप चाहो तो इसे toaster में गर्म भी कर सकते हो, but मैं इसे ऐसे ही ले आई. And you can even pair it with the butter. Next up we have this mini fuzzo. This looks so good. I totally love the shape of it. I mean, just look at this. This is such a beautiful thing. Size भी अच्छा है, because अगर किसी ने पहले try नहीं किया and they are not sure कि उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं, वो ये छोटा वाला पीस उठा सकते हैं. Now I'm gonna try the chocolate muffin. This muffin is so soft and really chocolatey. Literally आपके mouth में melt हो जाता है और बहुत ही intense flavor है. वहाँ पे और भी काफ़ी options थे और सारे options बहुत अच्छे दिख रहे थे. आप अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हो वहाँ से unlimited, because this is a buffet. So yeah guys, this is all from the bakery section. अब मैं इसे finish करके आपको मिलती हूँ किसी और चीज़ के साथ.
potato wedges, scrambled soya bean, and here are some bean sprouts noodles. I don't think noodles खाने चाहिए breakfast के लिए, but अच्छे लग रहे थे तो मैं ले आई. Now I'm gonna take the first bite of noodles. मैंने noodles में chili sauce डाल दी थी और बहुत ही ज़्यादा spicy हो गई ये. So that was not a good idea. अगर आप यहाँ पे ऐसे noodles खाते हो तो पहले ऐसे ही try कर लेना. बहुत तीखा हो गया. Now I'm gonna try the scrambled soya bean. ये मुझे काफ़ी यूनिक डिश लगी. आई वाज ट्राइंग द फूड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल सेक्शन और फिर यहाँ पे चीला भी आ गया. खाना बहुत ही जल्दी जल्दी ले आते हैं ये लोग. कॉफ़ी भी आई हुई है एंड आई एम स्टिल ऑन द स्क्रैम्बल्ड सोयाबीन. तो पहले इसे जल्दी से ट्राई कर लेती हूँ. दिस डिश इज़ रियली क्रीमी और सोयाबीन वेरी वेल कुक्ड है. बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा है एंड इट इज़ सुपर सॉफ्ट. ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जो एग्स खाते हैं और यहाँ आए हैं. और बिकॉज यहाँ पे एग्स नहीं मिलते, कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ यहाँ नहीं मिलती है. सो या गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस स्क्रैम्बल्ड सोयाबीन. इट इज़ रियली गुड. नाउ आई एम गोना ट्राई द पोटैटो वेजेस. काफ़ी क्रिस्पी दिख रहे हैं. इवन द पोटैटो वेजेस आर रियली गुड. अंदर से सॉफ्ट एंड फ्लफी हैं, बाहर से क्रिस्पी कोटिंग है. टोटली लवेंगे. और वहाँ पे काफ़ी सारे रखे हैं तो मैं तो दोबारा लाने वाली हूँ अपने लिए. नाउ आई एम गोना ट्राई द चीला बिकॉज चीला तो गर्म ही अच्छा लगता है. Here's the चीला. टॉपिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो. जस्ट लुक एट दिस, दिस लुक सो गुड. चीज़ भी लगाई है इन्होंने. ऑमलेट खाने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है. दिस इज़ वेजिटेरियन. नाउ आई टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ चीला. नमक हल्का सा कम लगा मेरे को. बाकी बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स हैं. चीला इज़ रियली सॉफ्ट. आई एम टोटली लविंग इट. आई डोंट नो कौन सी दाल का बनाया है ये. मूंग दाल का तो नहीं लग रहा, बेसन का भी नहीं लग रहा, शायद मिक्स करके बनाया है. अनदर बाइट. मैं नीचे रेस्टोरेंट से ब्रेकफास्ट करके आ चुकी हूँ एंड आई एम इन द लाउंज राइट नाउ. एज आई शॉट दिस वीडियो अराउंड क्रिसमस डे, बेकरी वाज लोडेड विद ऑल द गुड स्टफ एंड क्रिसमस हैम्पर्स वर डिस्प्लेड एज वेल. आई हैव शॉट अ लॉट ऑफ व्लॉग्स एट दिस प्रॉपर्टी एंड यू कैन फाइंड अ लिंक टू ऑल दोज वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. This is all for today's video. Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update.